खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बड़वा महेश्वर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में शिक्षा विभाग का स्कूल चले अभियान के तहत निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें अतिथि प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और मंत्री डॉक्टर विजयालक्ष्मी साधु कार्यक्रम के तय समय करीब 3 घंटे लेट पहुंचे। इस दौरान अतिथियों की राह में बैठी महिलाएं और स्कूली बच्चे राह देखते नजर आए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी शरीर से पसीना छूट रहा था कि अतिथि कब आएंगे और कार्यक्रम कब समाप्त होगा। इस तरह की गतिविधियों के चलते कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों के इंतजार में थक गए। शाम को करीब 5:30 बजे मंत्री वर्मा और मंत्री डॉक्टर साधो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर गोपाल डांड, SP सुनील कुमार पांडे सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर विजयालक्ष्मी साधु ने कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसमें खरगोन जिला का अहम योगदान रहा है। जनता के प्रति सभी का वंदन अभिनंदन किया। वहीं कमलनाथ की सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं बताई। प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चे अपने माता पिता गुरुजनों के संकल्प को पूरा करने का आत्म संकल्प लें। बड़वाह नगर की समस्याओं को लेकर जन समस्याओं के माध्यम से कैंप लगाकर कार्य करेंगे। हमारी सरकार वचन को पूरा निभाने वाली है। बड़वाह नगर के लिए जनता से पूछकर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर कैंप लगाकर मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंच पर नगर के विकास एवं क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन सौंपा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह इस देश में राजनीति कर रहे हैं, तो उन लोगों से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग जैसा घृणित काम, हॉर्स ट्रेडिंग मतलब विधायकों की खरीद करो, जिन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं होता, इस तरह के घृणित चालों से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। ये तो इस देश और उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा कि आपने सरकार को 5 साल का मैंडेट दिया है, नेताओं को 5 साल के चुन के लिए विधायक और सांसद बनाया है। यदि इस तरह के घृणित तरीके से खरीद फरोख्त के जरिए यदि सरकारें गिराई जाएंगी, तो क्या इस देश की जनता बार बार चुनावों के लिए तैयार है क्या? तो ये लोकतंत्र के माध्यम से दो लोग कलंक हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सर, इसको लेकर आप बता रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी कलंक है, कल आप लोकतंत्र के माथे पे कलंक है, यही तो मीडिया की जादूगरी है कि कलंक ही बता दिया सीधे। अरे लोकतंत्र के माथे पे कलंक है। सर, आपने कहा था ये किसान ऋण माफी योजना सरकार ने लागू की है, डिफॉल्टर किसानों के खातों में तो सरकार ने पैसा डाल दिया है, लेकिन जो रेगुलर किसान भरते हैं पैसा, उनके खातों में पैसा कब तक आ जाएगा? अब दूसरा स्पेल चालू हो रहा है, 50,000 तक के कर्ज माफ़ सभी किसानों के हो गए हैं। अब 1 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ़, अगले 6 महीने बाद 2 लाख तक पूरे कर्जा माफ़ करने की तैयारी है। सरकार ने जो ये लागू करती है, डिफॉल्टर किसानों को तो आप पहले पैसा दे रहे हैं, जो नहीं भरते सोसाइटियों में, जो रेगुलर भरते पहले उनका माफ़ होना चाहिए। वो आत्महत्या नहीं कर ले इसलिए पहले उनका भर दिया। किलर हाईवे को लेकर, इस किलर हाईवे के अंदर अनेकों बार मौतें हुई है और पिछली सरकार ने पिछले 15 साल से इस हाईवे को बनाने की बात कही, नहीं बनाया, नेशनल हाईवे भी कर दिया इसको, मगर उसके बाद भी अभी तक इसका कुछ भी निराकरण नहीं हुआ। आज से 3 दिन पहले एक ध्यान आकर्षण था भोपाल मध्य प्रदेश की विधानसभा में, इसी विभाग का यही प्रश्न था जो आपने किया। ये मामला था एक मंडला से बारेला मार्ग है, नेशनल हाईवे है, जो बड़ी धीमी गति से बन रहा है। असल में क्या है, एक बात आपको बता दूं कि सड़क मतलब PWD, ये बड़ा दुर्भाग्य हमारा, मेरे पास ये विभाग है, जबकि तमाम सारे नेशनल हाईवे हमारे मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, हम जहाँ खड़े हैं बड़वा से लेकर इच्छापुर तक का रोड,
ये नेशनल हाईवे। खबर समय जगत के लिए बड़वाह से आनंद राठौर की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।